हेलो ऑल, कैसे आप सब लोग। दिस इज हनुमत सिंह लोधी एंड वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी दो दिन पहले जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा का विदाई समारोह था। उनका जो कार्य था वो पूर्ण हो चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। इसको लेके हम उनके बारे में ब्रीफली जानेंगे कि कौन थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा। अगर ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बात करें तो वो पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में वो जज बनी। इसके पहले ऐसी कोई दूसरी महिला नहीं थी कि बार से सीधे वो बेंच में जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जज बने। इसके साथ यदि हम दूसरी बात करें तो वह सुप्रीम कोर्ट की सातवीं महिला जज थी। इसके पहले छः महिलाएँ थीं जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी और यह सातवीं ऐसी महिला थी जिनके लिए जज बनाया गया था। अगर हम इनकी बात करें तो 27 अप्रैल 2018 को इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था और इनको सुप्रीम कोर्ट में पदस्थ किया गया था। इसके साथ सबसे अच्छी बात एक और यह है कि सुप्रीम कोर्ट में यह दूसरी ऐसी महिला थी जिन्हें कि वरिष्ठ अधिवक्ता का पद मिला, मीन्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता घोषित किया गया था। इसके साथ यदि हम बात करें तो इनके बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं वो आप जाके वेबसाइट्स में पढ़ सकते हैं, चाहे वो 377 हो या फिर सबरीमाला जो मंदिर है उसको लेके हो। इनके बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट जजमेंट हैं जिनको लेके इनको ध्यान में रखा जाएगा और इनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है। ये एक आइकॉन है उन महिलाओं के लिए जिनके साथ जो आज सोचते हैं कि मैं ये जो समाज है इसमें महिलाओं को कोई इज्जत नहीं मिल रही, इनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये उनके लिए एक आइकॉन होंगी कि वह महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी और उन्होंने अपना जो कार्यकाल है उसमें ऐसे महत्वपूर्ण जजमेंट दिए जिससे कि उनके इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में उनकी सराहना की जा रही है। तो यह था सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा के बारे में एक शॉर्ट ब्रीफली। So thank you very much everybody watching this video and stay connected.